पांच बार आ रहा है हमारे इंडिया में, पांच बार इसका 10 ओवर 2000 ओवर का 10 एम्पीयर का करंट गया कि भाई विकेट होके तो उसने 2000 ओवर में इतना माफ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, 10 ओवर 5 बार आया था। चलिए भैया कहाँ तक हो गया था कल? एक लाख मीटर का बोल्ट नहीं। अच्छा कन्वर्जन आपका बेटा बोल्ट क्या क्या गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड कन्वर्जन इनटू एमीटर दोनों हो गया था, एक क्वेश्चन भी दिया गया था। ठीक जी सर। सेंटिंग पे भी क्वेश्चन, उस पर भी क्वेश्चन हो गया था, एमीटर पे भी, एमीटर पे क्वेश्चन दिया था। चलिए कर लीजिए वहाँ भी कोई क्वेश्चन बुक है। नहीं है देखिए ऐसे तो पेपर तो मॉर्निंग में होगा ना आप लोगों का, चलिए ठीक है पढ़ना जरूरी है। चलिए लिखिए बेटा क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस, हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, एक गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस कितना रिकवर करता है? 5 ओम, हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है, 5 ओम एंड करंट पासिंग थ्रो इट बिफोर कनेक्टिंग द शंट, करंट पासिंग थ्रो इट बिफोर कनेक्टिंग द शंट, करंट पासिंग थ्रो इट बिफोर कनेक्टिंग द शंट, बिफोर कनेक्टिंग द शंट इज हेलो 20 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, ठीक। देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, देन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस सो दैट, सो दैट करंट पासिंग द गैल्वेनोमीटर, करंट पासिंग द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 2 एम्पीयर, सो दैट करंट पासिंग सो द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 2 एम्पीयर, मतलब 20 एम्पीयर पहले था, अभी वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 2 एम्पीयर हमें पास कराना है। ठीक है, तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपको, अगर कितना एम्पियर आपको डिटरमाइन करना है, रिड्यूस करके कितना कर रहे हैं आप 2 एम्पियर तक, अतः जो 20 एम्पियर पहले गैल्वेनोमीटर से पास हो गया था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर हो गई, तो उस केस में आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड होगी वो निकालना है। निकालिए शंट रेजिस्टेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो वैल्यू हमें डिस्कस करना था बेटा। कितना शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक, कि आप जो करंट पहले गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना था 20 एम्पीयर जा रहा था, अब वो 2 एम्पीयर पास आउट हो, जल्दी करिए।
20 एम्पियर बिकम्स रिड्यूस टू कितना 2 एम्पियर. जब तक शंटिंग आपने नहीं किया है तब तक जो करंट जैनोमीटर से जाएगा बेटा उसी को आप मेन करंट कह लेते हैं. ठीक है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. ठीक, आप लोग कल थे सर्किट सर्किट आपको ये समझना है. जैसे मान लो जैनोमीटर का, ठीक, पहले करंट जो फ्लो कर रहा था इसके थ्रू कितने एम्पियर है, 20 एम्पियर पास हो रहा था. ठीक, बाद में हमने गैल्वोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया, क्या शंट रेजिस्टेंस. अब इस गैल्वोमीटर से जो पास होने वाला करंट है वो कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया. और इस गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया था बेटा, 5 ओम था. 5 ओम का गैल्वोमीटर था आपका, यानी गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस 5 ओम पहले था. अभी जो शंट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया करने के बाद इससे जो करंट पास हो रहा है अब कितना हो गया, 2 एम्पियर. पूछा गया इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कितने रेजिस्टेंस का आप क्या कनेक्ट करके जो हो जाएगा 0.55. बैठे जी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी. होगा तो होगा, इसे तय करिए. देखो जब आपको बताया गया था क्या कर्माजन आप गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, उस पर एक लास्ट में फार्मूला लिखा था टू पास यंथ पार्ट ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर. ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट रिक्वायर्ड, शंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिखा गया है इक्वल टू सी अपॉन. ठीक, यहाँ पे पहले 20 एम्पियर था, 2 एम्पियर हुआ, इसका मतलब ये 1/10 पार्ट हुआ बेटा ना. भाई 20 का 2 एम्पियर कितना हो गया, 1/10 ही पार्ट तो हुआ, 1/10 भाग है उसका, तो एन की वैल्यू 10 हो गया. ये हो जाएगा कितना, यानी डी की वैल्यू 5 था बेटा, अपॉन 10-1 दैट इज 5 अपॉन कितना 9 से डिवाइड करोगे डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा 50. 9 कितने का 5 का 45, फिर आ गया 50, फिर 55, यानी 0.55 ओम. एक तरीका ये है अगर ये फार्मूला आपको याद है डायरेक्ट तो. ठीक, दूसरा तरीका सेकंड देख लो बेटा, जिसका रेजिस्टेंस आपको 5 ओम दिया गया था, जब तक सर्टिंग नहीं की गई थी टोटल करंट आपका वहीं से पास होगा क्योंकि उसके पास कोई आस्था नहीं था, डायरेक्ट ही आस्था था. ठीक, लेकिन जब आपने सर्टिंग कर दिया तो अब इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब मेन करंट तो अभी वही आ रहा होगा ना. मेन इसका मतलब कितना आ रहा अभी, 20. अब ये रिड्यूस होकर 2 हो गया तो रिमेनिंग जो करंट होगा कहाँ से जाएगा, 18 एम्पियर कहाँ से जाएगा आपका शंट के थ्रू. और हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि अगर दो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इनके, यहाँ पे पोटेंशियल है Vg इक्वल टू होगा Vs, इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल में बेटा कनेक्टेड है. Vg की वैल्यू होगा Ig इंटू G, ये होगा Ig इंटू G इक्वल टू Is इंटू कितना S. तो Ig की वैल्यू 2, G की वैल्यू 5, Is की वैल्यू 18 इंटू S हमें चाहिए था, S की वैल्यू हो गई 10 अपॉन कितना 18. देखो डेसिमल लगाओगे तो हो जाएगा 100, 18 5 का 90 होता है
95 का कितना 19 फिर आपका 10 बचा तो फिर आपका क्या हो गया मतलब आपका 10 हो गया 100 हो गया तो 0.55 कहते हैं आप इस पास से अगर ये नहीं फार्मूला रेडी वाले आपको याद है तो आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका है उसे लगा सकते हो ठीक है अगर ये फार्मूला नोन है तो बेटा डायरेक्ट लगा लीजिए अगर नहीं याद आ रहा है वो नहीं पता आपको है तो आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का उसको लगा दो तो भी आंसर मिल जाएगा ऐसे नहीं लगा सकते कि पोटेंशियल ड्रॉप भी पहले कंडीशन में जितना था दूसरे में भी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों जंक्शन पर जी को जैसे पार करके पोटेंशियल डिफरेंस जो 20 गुड़े 5 बराबर 100 तो यहाँ पर 100 से कुछ नहीं कर सकते क्यों नहीं यहाँ से सर जाके 100 तब था जब एक सिंगल रूट था जी सर 100 तब था तो टोटल करंट उस गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा था ना जी सर अब वो करंट क्या हो रहा है बाइफर्केट हो रहा है अब सर यहाँ पर बाइफर्केट हुआ है लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर पैरेलल में हो तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वही तो लगा है पैरेलल में जुड़े हुए चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ये कहा लिखा गया पैरेलल में जुड़े हुए चीजों का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे के बराबर होता है आपस में बराबर होता है ना आपस में बराबर नहीं है लेकिन ये लगाया गया यहाँ पे जो बचा आप ये बराबर होगा इसके बराबर नहीं होगा हम तो कहानी के मिला दोगे तो कैसे चलेगा हमको बात ध्यान हम इसको बराबर आधा सुना कि आदमी के पास पैर होता तो दौड़ता है लेकिन आदमी को जिंदा रहेगा तभी दौड़ेगा ना हो गया बेटा चले अब कर लेंगे अगर इनका टोटल सम आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पहले बराबर जी नहीं जी नहीं वो अलग कैंडिडेट कंडीशन है भैया ये अलग कंडीशन पैरेलल में जितनी चीज़ें जितनी सर्किट हम बनाएंगे जितने रूट्स बनाएंगे उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा मिला के और जो आप कह रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है कि इंडिविजुअल जितना अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उससे इक्विवेलेंट होगा तो वही डिवाइड होता है ठीक ऐसे सेम उसमें भी फार्मूले भी बनता है बेटा ठीक करा दे लिखो अच्छा वोल्टमीटर हुआ नहीं है लिखिएगा ये गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल connected with a source of potential source of potential 200 volt ठीक लिखिए if a load resistance If a load resistance of 990 ohm is connected. Connected with series to the galvanometer. And again, this combination is. Combination is connected with the. Again, this combination is. connected with the
अगेन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द किससे किससे न्यू रेजिस्टेंस नहीं सर्किट कनेक्टेड विद द इनि पैरेंट सोर्स का दो इनिशियल सोर्स देन आईडी देन आईडी करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर आप लोग किसी के पास क्वेश्चन बैंक है लेटेस्ट? अरे घर पे यहाँ नहीं, आप लोग बोर्ड का होगा ना? बोर्ड नहीं कम्पिटिटिव वाला है बेटा किसी के पास? कुछ खाइए थे खाली कहानी सुनते हो कुछ है क्या? कौन सी है? अरे कल लाके दिखा लीजिएगा ठीक। एक लोग कोई क्वेश्चन बैंक लिया है करिए जिससे करंट क्वेश्चन जिसमें हो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन जिसमें हो ठीक है, तो वो डाटा के साथ करंटली रहेगा तो ज़्यादा वो बेटर रहता है। वैसे तो बना के बोला जाता है ठीक। निकालिए निकालिए पॉइंट टू। पहले कितना था? पहले करंट क्या हुआ? पहले नहीं, पहले करंट कितना हो? अगर पहले इनिशियल वाला पूछा जाए तो क्या होगा? एक ही बात निकालना सर, दोनों गैल्वेनोमीटर को से अच्छा जो गैल्वेनोमीटर है रोड रोड वाला ना है रेजिस्टेंस 10 20। पहले पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया था? पोटेंशियल 200 शुरू से ही पोटेंशियल जो था। अगर पहले हम लोग करें आईजी की वैल्यू जब तक हमने कोई इसमें करंट नहीं किया था तो बी अपान कितना होगा? आरपी के बराबर होगा या बी अपान जी सीधे कह देते हैं बी की वैल्यू 200 वोल्ट था इसका डेट था तो पहले 20 एम्पीयर करंट था ठीक। आफ्टर क्या कनेक्टेड रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर देंगे तब आईजी डैश मान लो हो जा रहा, तो आईजी डैश की वैल्यू होगी बी अपान जी डैश हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे या ऐसे कर लो आर प्लस जी, आर प्लस कितना हो गया जी, सी की वैल्यू तो उतना ही रखा बेटा, आर की वैल्यू 990 प्लस 10 मतलब हो गया 200 अपान कितना 1000। अब करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, जो पहले 20 एम्पियर था अब रिड्यूस हो गया कितना हो गया 10 एम्पियर आपका करंट वहाँ से पास आउट होगा होगा। बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, वेट WHEAT वेट स्टोर ब्रिज देखो बेटा, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बनते हैं बाकी आपके जो ओके बेटा ये जब लोग बात करते हैं वेट स्टोन ब्रिज का
कि ए वन है तो के टू है, फिर पी से पहले करते क्यू एंड आर है, ये हमारा सेल का ई एम एफ है, वी वोल्टेज अप्लाई किया जो भी सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, वी आई जैसे भी दिखा दो आप, तो पी क्यू आर एस आपके हैं। आपने ए बी सी डी मान लो हमारे चार पढ़े थे, इनके बीच में हम पढ़ रहे ए बी सी है, ए बी सी डी ये चार हमारे के और यहाँ बीच में जमना मिट्टा जुड़ा हुआ है, ठीक। अब बोला क्या जाता है, वेज पर बेस होता है, इट इज क्या अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज, ठीक है, क्या है फोर रेजिस्टेंसेज, ठीक है, क्या तो टू कॉर्नर्स क्या होगा आपका एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड एंड थ्रो अदर टू कॉर्नर्स क्या होगा गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, एक दो जो हमारे हैं इनके थ्रो हम गैल्वेनोमीटर का बेटा कनेक्ट करेंगे एंड दो के थ्रो का एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करते हैं, इसी कॉम्बिनेशन कहा जाता है बेटा थ्री टेस्टोन क्या ब्रिज। अब यहाँ पे जो यूजेज होते हैं बैलेंस कंडीशन, अपने यहाँ पर 99% केसेज में बैलेंस कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, और एक होता है अनबैलेंस कंडीशन। इनमें देखो क्या है, जो आपके रेजिस्टेंस दिए जाते हैं PQ, इसी को रेशियो रेजिस्टेंस कह लेते हैं या नोट, ठीक, आर को नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं, यस जो होता है या नॉन होता है, एस की पोजीशन पे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे एस की पोजीशन पे PQ रेशियो के में पाए जाते हैं, मोस्टली रेशियो के टर्म में दिया जाएगा या उसका डाटा दिया रहेगा, आर जो होता है वो नॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक, इसी को यूज करके हम लोग बैलेंस कंडीशन में जब रहता है बोला जाता है, अगर क्या ब्रिज है आपका बैलेंस कंडीशन में है तो आपको इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, शून्य में जाता है। अब लोग इसमें हो बैल्स में या सूचना है, आप लोग स्कूल में अभी मिली है क्या, लेकिन वो भी कंटिन्यू बने रहेंगे तब, ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है ना कि कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा थोड़ा, ठीक, क्योंकि आप जब कंटिन्यू तभी रह पाएंगे जब थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और समझ में तभी आएगा क्योंकि अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक, अगर पहली बार सही से पढ़ लेंगे तो बड़ा फायदा रहता है। देखो दो चीज़ें हैं बेटा, एक चीज़ होता है ना कि अगर हम ना पढ़े हों तो भी अच्छा है, ठीक, और पढ़े हों सही तरीके से पढ़े हों तो सबसे अच्छा है, ठीक, बट अगर हम पढ़े हैं और गड़बड़ खबर पढ़े तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ रहता है, ठीक, मतलब और पढ़े होंगे क्या उल्टा पलटा अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक, तो उसको भी चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, जैसे आपने सुना ना गिल्ली मिट्टी से क्या कैसे भी डिज़ाइन के आप घड़े बना सकते हो, बट अगर पक गया है तो उसको चेंज करना बड़ा है ना टेढ़ा होता है, ठीक, इसलिए या तो आपको नॉलेज हो तो सही सही हो और या तो फिर क्या हो कोई ना हो, तो अभी ये सब दोनों वाले मिक्स वाले में हैं, मैक्सिमम वाले, मतलब कुछ कुछ नॉलेज रखे हुए हैं कुछ कुछ गायब है, और आप लोग इस पोर्शन के लिए अभी क्या हो नए नए वाले, ठीक, अगर आप सीखना चाहेंगे थोड़ा सा घर पर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख लेंगे, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े नहीं आएगा। अभी लोग एक बार पढ़े वढ़े हैं, अब कुछ लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा है, टेढ़ा पढ़ा है, उसने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, वही नहीं जानते हैं पढ़े क्या थे, ठीक, तो उस कंडीशन में जो है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको बताया गया ना अभी छोटे बच्चे घर में हो तो देखो वो स्कूल पर मिस ने जैसे बताया है कि ना, अगर आप कहोगे बेटा ये ऐसे ये ऐसे कहकर हमारे मिस ने यही बोला है, मतलब मुझे एक बार उसके दिमाग में फीड होकर चेंज करना थोड़ा सा क्या होता है टिपिकल होता है, ठीक है, वही कहानियाँ हैं। चलिए फिर हम टी हो गया बेटा पी क्यू आर क्या हो गया यस हो गया ये बीच में गैल्वेनोमीटर, तो दो कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं, एक बैलेंस कंडीशन होता है और एक अनबैलेंस कंडीशन होता है, एक क्या होगा आपका बैलेंस कंडीशन होगा, दूसरा हमारा क्या होता है अनबैलेंस कंडीशन होता है। जब बैलेंस कंडीशन की हम लोग बात करते हैं इससे बात करते हैं बैलेंस कंडीशन में बात करेंगे तो बैलेंस कंडीशन बेटा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई क्या होना चाहिए एस, मतलब इन रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो इनके रेशियो की क्या है बराबर है, हम लोग कहते हैं ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन।
उस समय ब्रिज जो कहलाता है कैसा कहलाएगा बेटा? बैलेंस कंडीशन। और जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो इल पॉइंट बी और पॉइंट डी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, वो जीरो होगा। और किसी भी सर्किट में अगर दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो है तो उस केस में उनके थ्रू आपका कोई भी करंट पास आउट नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो हम नहीं बोले बेटा, हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोले हैं, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे। अब वो कुछ भी हो, 10 वोल्ट हो, 100 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 0.5 वोल्ट, कुछ भी है, इससे मतलब नहीं है। अगर दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल सेम है तो उनके थ्रू भी करंट का पास आउट आपका नहीं होगा, उससे पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो यहाँ पे इसके थ्रू पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, दूसरा तो बैठे सुन लो, तो यहाँ पे जो होता है जो विशेषण ब्रिज की हम बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो दो की लगाए गए, एक एक्सटर्नल की और एक इंटरनल या डायनोमीटर के थ्रू जो लगा है। ये एक्सटर्नल जो हमारा सोर्स है उसके थ्रू हमारा एक की लगा हुआ है। बोला जाता है इन दोनों की में, ठीक, जब हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं तो उस केस में कौन से की को, ऐसा नहीं, जब इस ब्रिज को हम यूज़ करते हैं तो उसमें कौन से की को क्या करेंगे? पहले ऑन करेंगे कि जो एक्सटर्नल सर्किट में है या जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगा हुआ है, किस की को पहले ऑन करेंगे, किससे बाद में ऑन करेंगे? याद करिए कुछ क्या सर? यहाँ दो स्विच लगे हैं, एक स्विच लगा है गैल्वेनोमीटर के ऊपर और एक लगा है बाहर वाले सर्किट में। तो बोला क्या जा रहा है, जब हम इसे यूज करते हैं बेटा, पोटेंशियल ब्रिज को यूज किया जा रहा है, तो कौन सी की को पहले यूज करते हैं? पहले किस की को पहले यूज किया जाएगा? के बाद जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगा है या जो एक्सटर्नल सर्किट में लगा है? एक्सटर्नल वाला हाथ उठाओ, एक्सटर्नल सर्किट वाले हाथ उठाओ। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो लगा है वो वाले हाथ उठाओ, और बाकी वाले तो ये ऑप्शन रखूँ तो हाथ मारना चाहिए हैं? क्या अभी सोचेंगे फिर मारेंगे खुद का ना? चलिए मेरा एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर वाले पहले बता दें क्यों साहब? सर उसको टच कराए रहेंगे तभी करंट, बाद में टच करा के पता करेंगे कि रहेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर न्यूट्रल मतलब दोनों का रेशियो बराबर होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अच्छा बैठिए, और जब कनेक्ट ही नहीं कराए रहेंगे तो करंट कैसे करेगा? और वो भी पहले कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। नहीं करा नहीं सकते, उसका रीज़न है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, रीज़न तो आपको बताएंगे। हाँ जी पीछे पॉजिटिव में से जाएगा तक उसकी बात फिर और कौन हाथ उठाया था भैया, बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे आप लोग तो पढ़े नहीं अभी फिलहाल। चलिए सर सुनिए आप लोग। हाँ जी इधर कौन कौन बोला था एक्सटर्नल से बेटा? तो पहले करेंगे ठीक है, बताओ दीप्ति तृप्ति नाम तृप्ति क्यों बेटा? अरे जो पता है उतना होगा क्यों उसको हम लोग एक्सटर्नल से पहले आने वो तो आपको मीटर भेज से थोड़ा सा दोनों चला दिमाग में आपके पिन चला जी बात नहीं। चलो देखो बेटा यहाँ पे जो फिलहाल यूज करते हैं ना, तो पहले एक्सटर्नल की जो आपका एक्सटर्नल सर्किट में लगा है मतलब नहीं है, एक्सटर्नल की को पहले बेटा तब इंटरनल को करते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल वाले को पहले ऑन करेंगे, इंटरनल वाले को बाद में करेंगे। सही सही नहीं, गलत गया, अपने अंदर वाले पहले किया था, अंदर नहीं बाहर।
अंदर पहले बोला था भूल गया बोले पहले करंट बहेगा तो उसको टच करा के बाद में पता करेंगे नहीं पहले टच कराया रहेंगे तब बहेगा था पता करेंगे चलो पहले से याद रखेंगे एक्सटर्नल की को ऑन करते हैं पहले इस वाले को तब इस वाले को दो उसके बेसिक रीजन होते हैं ठीक एक होता है बेटा कि अगर पहले आपने इसको जैसे लोगों ने कहा इसको ऑन कर देंगे पहले इसको अगर ऑन करेंगे ना तो करंट जब यहाँ से सप्लाई बाद में के वन को ऑन करोगे तो करंट यहाँ से जाएगा देखो दो रूट देख रहे हैं बाइफर्केट होगा इन डी एंड डी पॉइंट पे पहुँचेगा ठीक और करंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा हमेशा सब उस रूट को फॉलो करेगा जिसके रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी ठीक उस रूट को फॉलो करता है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है लेसर होगा कम होगा अब ग्यारहवीं मीटर जो हो सकता है ग्यारहवीं मीटर का रेजिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं होता बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं होती है ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पहुँचने के बाद अगर क्या बैलेंस नहीं है तो उस केस में आपको ग्यारहवीं मीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर स्मॉलर जनरली होता है इंटरनल के रिस्पेक्ट में तो मोस्ट ऑफ करंट कहाँ से पास होने लगेगा ग्यारहवीं मीटर से और अगर एकाएक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट ग्यारहवीं मीटर से पास हो रहा है तो उसके दो ड्रॉबैक होंगे अगर तुरंत जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरू किया आपने रीडिंग ले लिया तो रीडिंग भी गलत बताएगा आपको ठीक दूसरा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा ग्यारहवीं मीटर से तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी क्या होंगे बढ़ जाएंगे इसी वजह से पहले बेटा हम इसको ऑन नहीं करते पहले इसे ऑन कर देंगे ऑन कर लिया उसके बाद अब करंट गया यहाँ पहुँचे कि ये ऑफ है इसकी मजबूरी इधर से जाए और ये इधर से जाए अब करंट अगर पूरे सर्किट में फ्लो होने लगा उसके बाद अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से केवल उतना ही अमाउंट ऑफ करंट पास आउट होगा गैनोमीटर से जो अनबैलेंस्ड होगा मतलब जो बैलेंस नहीं है ठीक है बट अगर पहले से आपने उसको ऑन कर रखा है तो जैसे इसको ऑन करोगे तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हो जाएगा गैनोमीटर से इसलिए वहाँ रीडिंग भी गलत होने चांसेस होंगे उसके डैमेज होने के भी चांसेस रहेंगे इसलिए हम लोग पहले एक्सटर्नल ऑन एक्सटर्नल किया सर्किट में करंट फ्लो होने लगा करंट फ्लो होने लगा फिर बाद में हमने इसको इंटरनल वाले को ऑन किया इंटरनल को ऑन करोगे तो अगर ये ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में होंगे तब तो यहाँ से बाद में ऑन करने पे भी कोई करंट यहाँ से पास आउट नहीं होगा बट अगर बैलेंस नहीं है बेटा तो जितना बचा हुआ है मतलब जितना अनबैलेंस करंट है उतना ही केवल यहाँ से पास होगा और उतना ही पास होगा तो जितना हम लोग हमें रीड कर रहे हैं अनबैलेंस वाले को तो रीडिंग भी हमारी सही रहेगी और करंट का अमाउंट केवल अनबैलेंस वाला जा रहा है तो करंट का अमाउंट भी कम रहेगा तो इसका मतलब उसके डैमेज होने के चांसेस भी कम है इसीलिए पहले एक्सटर्नल की को ऑन क्या ऑन करते हैं फिर इंटरनल इंटरनल मतलब गैनोमीटर के थ्रू से जुड़ा हुआ है और किसी ग्राफ को पूछ लो याद आएगा तो पहले बाहर वाले सर्किट में जो लगा है उससे फिर अंदर वाले सर्किट में जो लगा है उससे ऑन करेंगे ठीक तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लिखा है लिखिएगा इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस which can be used to measure one of them यानी चारों में से एक को मीजर करते हैं वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अदर मतलब एक को हम लोग मीजर करते हैं बाकी के टर्म में ठीक इन टर्म ऑफ अदर या रेस्ट जो भी वर्ड लिख लीजिए आप ठीक लिखें अब यहाँ जो गिवन डायग्राम आपको दिया जाता है बेटा आपने लिखा है तो ए बी सी डी ठीक चार पॉइंट लिखा है तो यहाँ से ए बी और बी सी जो होते हैं इसे रेशियो आर्म कहते हैं ए बी एंड बी सी रेशियो आर्म कहा जाता है इसी के बेस पे अभी आप मीटर ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे बेटा ठीक उसे हम लोग रेशियो आर्म कहते हैं अनुपातिक ठीक दूसरा ए डी और बी डी जो होते हैं एक ए डी वाले को नून और बी डी वाला जो है बी से डी के बीच में सी और क्या सी डी के बीच में ए डी के बीच में नून है और सी डी के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या लेते हैं क्या अननोन रजिस्टेंस ठीक तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा आगे कहाँ था लिखिएगा
इन टर्म ऑफ अदर्स आगे लिखिएगा ठीक। इन व्हिच स्टोन ब्रिज, इन व्हिच स्टोन ब्रिज, और जब भी हमें ब्रिज में आते हैं ना तो जल्दी ऐसे लिखते हैं बेटा, इंग्लिश ही लिखा है, हिंदी वाले बुक में पढ़िए, इंग्लिश वाले पढ़िए, भोजपुरी वाले पढ़िए, सब में वही रहता है ठीक। लिखेंगे इन व्हिच स्टोन ब्रिज आर्म्स ए बी एंड बी सी, इन व्हिच स्टोन ब्रिज आर्म्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड, ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड रेशियो आर्म, ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड रेशियो आर ए टी आई ओ रेशियो आर्म्स ठीक। वाइल एंड का तो वाइल बता एंड ए डी आर कॉल्ड नोन ए डी ए से डी के बीच में जो जुड़ा है ए डी आर कॉल्ड एंड बी सी आर कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस, डी सी आर कार्ड अननोन रेजिस्टेंस, डी सी आर कार्ड अननोन रेजिस्टेंस, मुझे ए डी नोन है और डी सी जो है अननोन है ठीक। ए डी नो और डी सी क्या होगा आपका अननोन रेजिस्टेंस होगा ठीक। आगे लिखेंगे ओके कार्ड क्या लिखा नोन है ना नोन रेजिस्टेंस है। आगे लिखेंगे ये तो हो गया डायग्राम बना लीजिए, बना गया ना नेक्स्ट देखो बेटा। अब हम लोग दो फॉर्म में यूज होते हैं, एक बैलेंस दूसरा अनबैलेंस, बट अपने यहाँ जो पूछे जाते हैं 99.99 केसेस में बैलेंस पे ही बनता है ठीक। क्योंकि अनबैलेंस के लिए फिर आपके 4 सेकंड लगाना पड़ेगा और आपके एग्जाम में जनरली अगर कैसा है क्या मतलब सेटिंग प्रॉपर है तब तो फिलहाल लग जाएगा, अदरवाइज सेकंड आपको फिर वैरी को क्या करना यूज़ करके फिर अप्लाई करने में आपको टाइम बहुत लग जाता है। तो ऐसे केस में अगर कहीं सेकेंड आप यानी कि अनबैलेंस केस में बन रहा है तो उससे पहले उस पर टाइम मत किल करिएगा ठीक। जैसे दो चीज़ें हैं पेपर बेटा, सिलेक्शन के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हो ही नहीं सकता है ठीक। मतलब बिना नॉलेज के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारे नॉलेज वालों का भी नहीं होता है। आपने सुना होगा कि हमारे भैया थे, दीदी थे, ये थे, वो थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाया। मतलब उन्होंने क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया। मतलब नॉलेज ही केवल आपको सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिलेक्शन के लिए कई फैक्टर्स आपके ज़रूरतें होती हैं ठीक। कि हम कहाँ कब क्या डिसीजन लेंगे, जैसे आपको पता लगा डिस्ट्रिक्ट एसपी बना दिया गया, अब लड़ाई हो रही है, पता लगा आप अपने रिवाल्वर लेके चल दिए हैं ठीक। तो मतलब आपको आपका क्या प्रॉपर डिसीजन होगा वो आपके लिए क्या होगा, कहाँ कैसा हम डिसीजन लेंगे, कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। अब कोई क्वेश्चन देखे आप जिनके लिए नहीं हम लगा के ही दम लेंगे, लगाओ भैया 3 घंटा क्या दिक्कत है ठीक। तो उस कंडीशन में हमें राइट डिसीजन लेना तो कौन सा करना हमारे लिए ज़्यादा कैसा है बेनिफिशियल। अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है आप उसे तुरंत क्या करिए छोड़ के आगे बढ़ जाइए, नहीं तो एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 आपके छूटेंगे। और एग्जाम में ये नहीं होता है कि हमने कितने क्वेश्चन कौन वाला किया है ठीक, आपका राइट कितना है वो डिसाइड होता है, सबसे टफ वाला किया है सबसे ईजी वाला किया वो फैक्टर नहीं होता है ठीक है। तो वो चीज़ें फिर आप वहाँ से डिटरमाइन करेंगे। तो लिखिएगा बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज बी एल एन सी डी बैलेंस ब्रिज। तो बेटा बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट जैसे यहाँ से टोटल करंट आपका आई एक्सटर्नल सर्किट में पा इंटर करने वाले करंट की वैल्यू कितनी है आई है, ये आएगा अगर दो पार्ट में यहाँ से बाई सर्किट होगा, एक आपका इसके थ्रो आई वन सपोज दैट यहाँ से मेरे लिए आई टू, अगर ये पॉइंट बी एंड डी पे ठीक पॉइंट बी एंड क्या डी पे जब रीच कर रहा है बी एंड डी पॉइंट पे पहुंचने पे ठीक करंट पे दोबारा कहाँ से जो ए से बी की तरफ आ रहा है वो बी से कहाँ से सी की तरफ अगर मूव करता है दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर के थ्रो करंट की वैल्यू क्या है जीरो है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है जीरो शो कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे ब्रिज जो होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा इनके इनके होगा, और क्योंकि वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर
वी कर टू क्या होता है आपका आई आर, जब पोटेंशियल डिफरेंसेस के रेशियो आपको सेम मिल रहे हैं तो वहाँ से करंट तो वही पास हो रहा ऊपर वाले से, जैसे जो करंट मीटर अगर ग्यारह मीटर से करंट की वैल्यू यहाँ से आने वाले करंट की वैल्यू अगर जीरो है, ग्यारह मीटर से करंट जीरो पास हो रहा है तो टोटल करंट आई बन जाने वाला कहाँ से क्यू से पास आउट होगा, जो पी से पास हो रहा है वो क्यू से पास आउट होगा और जो आर से पास हो रहा है वो एस से पास आउट होगा। तो करंट यहाँ से बाईपर्केट नहीं अगेन होगा, तो यहाँ से बाईपर्केट होगा बट इस पॉइंट पे आने के बाद आई टू बाईपर्केट नहीं होगा और ये तभी पास पर होगा जब बी एंड डी पॉइंट आ गया एट इक्वल पोटेंशियल, यानी कि दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो उस केस में जो आप देखेंगे तो यहाँ से करंट जाने वाला यहाँ से पास होगा यानी एस से, आर से जाने वाला एस से और पी से जाने वाला क्यू से पास होगा। उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस यानी बी पी की जो वैल्यू होगी बी पी अपार्ट बी क्यू का जो रेशियो होगा वो कितने होगा आर पी अपार्ट आर एस के बी पी बी एस बी पी अपार्ट बी एस के रेशियो के बराबर ये हो बी पी बाई बी क्यू इक्वल टू बी आर अपार्ट कितना BS। अब यहाँ से आप वैल्यू देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है I1 into P, ये हो गया I1 into कितना Q, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया बेटा I2 into R, ये हो गया बेटा I2 into कितना S, ये फैक्टर कैंसिल होंगे तो आगे बैलेंस P by Q इक्वल टू कितना हो गया R by S। तो हम लोग सिंपली लिखते हैं, इतना लिखने के भी आपको नीड नहीं होती है, P by Q इक्वल टू कितना होना चाहिए R by S के इक्वल, अगर P by Q की वैल्यू R by S के इक्वल है हम लोग बोलते हैं क्या ब्रिज जो आपका होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा, और अगर पी वाई की और नॉट इक्वल टू आर वाई एस है तो उसे कह लेते हैं नॉन बैलेंस कंडीशन। तो लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना भी लिखने का आपको नहीं है ठीक, तो लिखिएगा लिखिए बैलेंस कंडीशन में लिखिए द ब्रिज इज set to be in balance condition when deflection in galvanometer deflection in galvanometer will be zero। बेटा मोबाइल ऑफ करके रखा करिए ठीक, ऑफ रहेगा तो किसी का फोन नहीं आएगा ठीक है, बैठाइए हो गया बी वाई की इक्वल टू कितना है बेटा, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, उस कंडीशन में आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा वो बैलेंस कंडीशन में कह रहा है, किसमें बैलेंस कंडीशन में। आर बाई कितना हो जाएगा एस के इक्वल हो जाएगा ठीक है। तो नीचे देखिए यह स्टेटमेंट क्या लिखा था बेटा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो ठीक, देन लिखिएगा पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस नोट कर लिया, तो ये कहलाता है बेटा हमारा बैलेंस कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा पी और क्यू पहले लिखा था आपने रेशियो आर कहलाता है, दिस इज रेशियो आर एंड आर एंड एस क्या हो गया आर नोन और एस क्या होता है अनोन, तो जिस रेशियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है हम किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे उसे यस एस के थ्रू कनेक्ट करेंगे ठीक, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है फाउंड आउट करनी है उसे किसके थ्रू करेंगे आप एस के थ्रू आप करते हो ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक। दूसरा लिख लीजिएगा अनबैलेंस दिस अन, एक चीज और यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा लिखिए अनम्यूचुअली चेंजिंग ऐसे एरर आगे नीचे लिखिएगा अनम्यूचुअली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अनम्यूचुअली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर अनम्यूचुअली चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर सेल एंड गैल्वेनोमीटर दिस कंडीशन विल नॉट चेंज हो गया। तो अगर हम म्यूचुअली बेटा क्या कर दें पोजीशन किसका
इस गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर को एसी के साथ पार्टी कनेक्ट कर दीजिए और किसको जो सेल है उसको बीडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस आपकी नहीं होंगी। मतलब जो कंडीशन का बैलेंस कंडीशन है तो अगेन फिर आपको क्या मिलेगा वो बैलेंस ही मिलेगा। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास आउट होगा उसकी वैल्यू अगेन जीरो मिलेगी। समझ गए कैसे बताया बोला क्या जा रहा है बेटा? जैसे अभी ये बैलेंस कंडीशन में है ठीक, तो बैलेंस कंडीशन में आपने कहाँ से ए और सी के थ्रू हम लोगों ने क्या एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी बैटरी को कनेक्ट किया है। किसको कनेक्ट किया है? बैटरी को कनेक्ट किया और बी और डी के क्रॉस आपने किसको कनेक्ट किया है? गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। अगर बैलेंस ब्रिज कंडीशन है जैसा है बैलेंस ब्रिज कंडीशन है उस कंडीशन में अगर इसको जो बीडी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं बेटा? बीडी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं इसको आप एसी के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए गैल्वेनोमीटर को एसी के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए और जो आपका क्या है बैटरी है उसको बीडी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो भी वो अगेन बैलेंस कंडीशन ही शो करेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन अगेन क्या मिलेगा? जीरो जीरो ही मिलेगा। वहाँ पर कोई चेंजेज आपकी नहीं है। हो जाएगा। चलिए दूसरा कर लीजिएगा अनबैलेंस ब्रिज। गला खराब होता है बात या तो दो चार दिन छुट्टी कर दीजिए। अनबैलेंस ब्रिज देखिए इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड देन करंट बेटा पूछ के इंटर किया करिए पार्क में थोड़ी आए हुए हो है ना ठीक। क्या लिखा? देन इफ क्या ब्रिज किसमें नॉट बैलेंस कंडीशन अगर बैलेंस कंडीशन में नहीं है ठीक है देन करंट विल फ्लो देन करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर उस कंडीशन में करंट आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करेगा फ्लो करेगा हो जाएगा ठीक। और अगर ये फ्लो कर रहा है तो बी से डी की तरफ अगर फ्लो हो रहा है तो बी बी की वैल्यू बी डी से ग्रेटर होगा और डी से अगर बी की तरफ फ्लो कर रहा है तो बी डी ग्रेटर देन क्या बी बी यानी कि इस केस में बी बी नॉट इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप बी डी होगा। इन दिस कंडीशन बी बी नॉट इक्वल टू बी डी अब इतना कर लीजिए बाकी कल करिएगा ठीक है। बी बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बी डी क्या होगा? तो बी बी और बी डी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे ठीक। ये केमिस्ट्री कैसा रहा है?